कहा बेला रानी, का ये सब सामान फैला के बैठी हुई हो? अरे साला, ये तो सब इंपोर्टेड आइटम है, सब बिलायती। ये कब ली तुम? है घर में मातम का माहौल है और तुमको ये सब कुछ सूझ रहा है बेला है? अरे वो लाइए जिलो टापर, बोली राधे पिया लेकर आए थे हमारे लिए लंदन से। ओ राधे, तो तुम क्या सोच रही हो? ये सारा विदेशी सामान हमारे टेबल में रख दो, हम जरा टहल के आते हैं। मम्मी जी, आप ठीक से दवाई नहीं ले रही है ना, फिर से आपके पैरों में दर्द हो रहा है। लाइए अपना पैर दीजिए, हम मरहम लगा देंगे। जिसका जवान बेटा चला गया हो ना, उसे शरीर का दर्द नहीं दिल का दर्द सताता है जिला टापर। और ये जो दिल का दर्द होता है ना, उसे रिश्वत दे के खत्म नहीं किए जाते। बेला भाभी, रिश्वत? अम्मे मियां, एक तो हम ये तुम्हारे जबरदस्ती के भोलेपन से बहुत ही परेशान है। का हमें समझ नहीं आता का कि हमको तुम इमोशनल कर रही हो ये सब तामझाम दिखाकर, कि राधे भैया हमारे लिए लेकर आए, हमारी इच्छाएं पूरी करे ताकि हमको तुमसे लगाव होए और हम तुम्हें हमदर्दी दिखाएं। और ये भूल जाएं कि तुमने राधे भैया को खा लिया। सामान हमको नहीं चाहिए, और हो सके ना जिला टॉपर तो हमारे राधे भैया वापस ले आओ बस, नहीं तो अपना मुंह फूको उस अस्पताल में जाकर उस डॉक्टर वीर के साथ। मम्मी जी, ये बेला भाभी सब कुछ गलत बोल रही है, हमने भी अपना पति खोया है, उनकी निशानी थी आपके लिए, बस इसीलिए हम सौंप रहे थे। बेला, इससे कहो कि अपने कमरे में जाए। मैं अकेला छोड़ दो। जाओ। जिसका जवान बेटा चला गया हो ना, उसे शरीर का दर्द नहीं दिल का दर्द सताता है जिला टापर। और जो दिल के दर्द होते हैं ना, उसे रिश्वत दे के खत्म नहीं किए जाते। का हमें समझ नहीं आता का कि हमको तुम इमोशनल कर रही हो ये सब तामझाम दिखाकर, कि राधे भैया हमारे लिए लेकर आए, हमारी इच्छाएं पूरी करे ताकि हमको तुमसे लगाव होए और हम तुम्हें हमदर्दी दिखाएं। और ये भूल जाएं कि तुमने राधे भैया को खा लिया। अरे तुमने
अरे यार बेला रानी, घर में सब लोग परेशान चल रहे हैं और तुम ये सब कर रही हो। अरे भाई था वो हमारा। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं कि हमको खुशी हो रही है राधे भैया की मौत से, पर उनके जाने के बाद जीवन तो चलेगा ना, तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। अगर हम नहीं गए होते ना तो जिला टापर और आपकी माता जी अली कृष्णा अली माता जी ये सब कर रहे होते और गले मिल रहे होते दोनों सास बहू। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी माता जी जितना उस कृष्णा से खपी हुई रहेंगी ना उतना अच्छा है, और ये समीकरण हम तो नहीं बदलने देंगे। अच्छा सुनो, कृष्णा की दुनिया पहले ही लुट चुकी है, तो अगर उसकी बर्बादी उसके घर वालों के काम आ जाए तो उसको ये बलिदान देना चाहिए ना, है ना? तो अगर वो ये बलिदान नहीं देगी तो हम दिलवा देंगे उससे ये बलिदान। हाँ सिंपल। हेलो मिस कृष्णा। मिस कृष्णा, आई अंडरस्टैंड कि ये इंडिया है और आप अपने देश में हैं, लेकिन अस्पताल मैं चलाऊंगा। हम समझे नहीं। कृष्णा, मुझे ना दो चीजों से सख्त नफरत है। पहली, अपनी बातों को रिपीट करना, और दूसरी, अपनी बातों को किसी इडियट के साथ रिपीट करना। 8 बजे, कल 8 बजे तुम मुझे हॉस्पिटल में मिलोगी। आइनो की इस तरह की पहेलियां सुलझाने के लिए तुम्हें आर्टिस्टिक टॉपर बनाया जा सकता है, लेकिन मैं मेरे हॉस्पिटल में इससे बेहतर एक्सपेक्टेशन के साथ आऊंगा। एनीवेज, इस एरिया के जितने लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मुझे सबकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चाहिए सुबह मेरी टेबल पर। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं? कौन कौन सी कंपनीज हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट्स देती हैं? और किस किस इक्विपमेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है हमारे हॉस्पिटल में? इसके अलावा मेडिसिन की स्टॉक लिस्ट, इन सब चीज़ों की डिटेल रिपोर्ट चाहिए मुझे कल सुबह तक। लेकिन हेलो, ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।